सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के आपने फ़ायदे तो बहुत जगह से सुने होंगे कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं आज आपको जो चीज़ नहीं पता है कि पानी सुबह खाली पेट गर्म या कोसा पीने के जो नुकसान हैं वो आपको आज तक बताई नहीं गए हैं, और जो मैं आपको साइंस को बिल्कुल हिंदी में इजी लैंग्वेज में हम इस चैनल पर आपको हमेशा समझाते हैं और ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं कि साइंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाए। जो लोग पुराने हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही है हम इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाते हैं वो साइंस बेस्ड होती है और रिसर्च बेस्ड होती है। और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, खाली पेट पानी पीने के फ़ायदे कम हैं और नुकसान बहुत ही ज़्यादा हैं जो आप बताए नहीं गए हैं आज तक किसी के भी द्वारा, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उनको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्या शरीर को पानी की ज़रूरत है? जो आप समझ रहे हो कि खाली पेट पानी पीने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, शरीर को जब पानी की ज़रूरत होती है उसे थ्रस्ट लग जाएगी, मान लो प्यास लग जाएगी, आपका गला सूखने लग जाएगा, तो शरीर को पहले ही गलती आपने ये कर दी, बीमार करने का सिस्टम शुरू हो गया। जब उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, आपका गला ही नहीं सूख रहा है, उसको पाँच पाँच गिलास एक एक लीटर क्यों दे रहे हो आप पानी? तो शरीर को आपने पहले ही ख़राब करना यहीं से कर दिया है। शरीर को पानी की ज़रूरत होगी तो आपको प्यास लगाएगी, गला सूख जाएगा, आपकी जीभ भी सूखने लग जाएगी। मान लो शरीर को पानी की ज़रूरत है, शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं वो आप इतनी डाल दोगे तो आप बीमार ही होगे। तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा पानी पीना यूज करते हैं एसिडिटी के लिए, पेट के तेजाब के लिए। तो एसिडिटी में पानी का कोई लेना देना नहीं है, कोई बीमारी को ठीक नहीं करता है जिसको तेजाब बनता है। देखिए ये मान लो तेजाब है जो नीले रंग के निशान लगाए हैं, पानी से क्या होता है? पानी से यही मान के चलिए आप, अगर एक गिलास में इतना पानी है चीनी का, अगर इस चीनी के घोल को हमने पतला करना हो, कम मीठा करना हो, हम इसमें क्या करेंगे? और पानी डाल देंगे। अगर इतना पानी डाल दिया तो ये इतना गाढ़ा घोल था यहाँ तक पतला हो गया, तो इसका मीठापन, इसके अंदर चीनी घोल कम हो गया। तो ऐसे ये है, तेजाब यहाँ तक बना पड़ा है, आपने पानी डाल दिया पेट के अंदर, दो गिलास तो तेजाब यहाँ तक हो गया, ये गाढ़ा तेजाब पतला हो गया, आपको आराम हो गया। पर इसका नुकसान क्या है? कुछ ही समय में आपको शरीर जो यहाँ तक तेजाब बनाता था यहाँ तक तेजाब बनाने लग जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जो लोग खाली पेट पानी पी रहे हैं उनका तेजाब है, पहले अगर एक गिलास से आराम आता था, अब वो पाँच गिलास उनको पीने पड़ते हैं फिर तेजाब को आराम आता है। प्लस है उनको तेजाब वाली दवाइयाँ भी साथ में खा रहे हैं और दूसरी दो बीमारियां उनको फ्री में मिल रही हैं इसी कारण से, वो है एक तो शुगर और एक है बीपी का बढ़ना। ये दोनों बीमारियां आपको खाली पेट पानी पीने वालों को साथ में मिलेंगी और ये दोनों बीमारियां की दवाइयां उनके ऊपर काम भी नहीं करती होती। हर रोज़ दवाई लेने के बाद भी उनका शुगर और बीपी बढ़ा रहता है, एक दिन दवाई छोड़ दें शुगर उनका फिर बढ़ा रहता है। तो ऐसे काम गड़बड़ होता है खाली पेट पानी पीने से, तेजाब को जो कुछ नहीं करता, बस गाढ़े तेजाब को पतला कर देता है, यही साइंस है इसके पीछे। और इसके नुकसान ढेरों हैं जो मैंने आपको बता दिया, दो बीमारियां उनमें मिलेगी मिलेंगी। दूसरा है कि ये मोटापे को कम करता है, तो मोटापे से पानी का कोई लेना देना नहीं है। मोटापे को कम कौन करेगा? लिवर आपका। और अगर मोटापा आपको थायराइड की वजह से हुआ तो पानी पीने से ये मोटापा आपका अगर थायराइड वाली बीमारी वाला हुआ तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी शरीर के ऊपर और लिवर के ऊपर लोड डालता है। आप ये मत सोचिए कि आप अपने पांच चपाती से दो चपाती आ गई हैं तो आपके ऊपर लोड कम हो गया। अगर आप पांच गिलास पानी भी पी रहे हो वो भी बिना प्यास लगे हुए, शरीर को ज़रूरत ही नहीं जिस चीज़ की आप डालते जा रहे हो, तब भी लिवर के ऊपर लोड डलता है। और अगर कोई थायराइड वाला खाली पेट पानी पी रहा है उसका थायराइड कभी ठीक ही नहीं होगा। तो ये तीसरी बीमारी आती है पानी पीने वालों को, जो ठीक नहीं होती है वो उम्र भर थायराइड की गोलियाँ लेती रह जाएंगे। ये फ्री की बीमारी है जो खाली पेट पानी पीने से मिलती है। और जो मोटापा है वो तो कम होगा नहीं, क्योंकि मोटापा कम करने के लिए आपको चर्बी को जलाना होता है, जो शरीर की चर्बी होती है वो कब जलेगी?
वो आप बिना खाए पिए भी जला सकते हो, हरियाँ सब्जियाँ खा के भी जला सकते हो, क्योंकि उससे हरियाँ सब्जियों से चर्बी बनती नहीं। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दोगे तो शरीर जो पेट में पड़ी चर्बी है या कहीं और पड़ी चर्बी है उसको जलाना शुरू कर देगा। तो पानी का ओबेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने देखा है जब शरीर को जरूरत ही नहीं थी पानी की, आपने 10-10 लीटर दिन में डाल दिया है, 3-3 लीटर आप पानी पी गए हो, पता नहीं कहाँ से शुरू करो, वो आपके लीवर को बीमार करेगा, क्योंकि लीवर के ऊपर लोड डालेगा, क्योंकि लीवर ने हजम करना होता सारी चीज़ को। लीवर ने पानी को जो आप पेट के अंदर डाला है इसको यहाँ से निकालना होता है और गुर्दों की तरफ लेके जाना होता है। तो अब देखिए, आपने 3-5 लीटर पानी पी लिया, आपको पानी की ज़रूरत नहीं, गुर्दों को भी इसलिए तैयार नहीं थे गुर्दे पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने को, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है पानी की, उनको पता है वो रिलैक्स बैठे हैं भी, शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है, जब प्यास लगेगी बंदा पानी देगा तब मेरा काम शुरू होगा। अब आपने 3-5 लीटर पीने की दिन में स्पीड पकड़ रखी है कहीं से सुनने की, अब गुर्दों के ऊपर सोचिए कितना लोड डल रहा है, क्योंकि आप इनको बिना रेस्ट करवाए सारा दिन ही काम करा रहे हो। इसीलिए आपने कभी ये सोचा है जब किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस करवाया जाता है मरीज का, उसको क्यों बोलते हैं हम लोग कि आपने सारे दिन में 1 ही लीटर पानी पीना है, तो तब हम वहाँ पे क्यों नहीं बोलते कि नहीं भाई पानी पीना तो अच्छा होता है, तू 5 नहीं तू तो 7 लीटर पानी पी, तब क्यों नहीं बोलते डॉक्टर? आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि तब भी बोलना चाहिए भाई 5 लीटर क्यों पी रहा है, तू तो 7 लीटर पानी पी, गुर्दे तेरे फ्री ठीक होंगे। क्योंकि डॉक्टर को पता है गुर्दों के लिए इतना पानी पीना नुकसानदेह है, अगर इस बीमारी में या किसी और भी बीमारी में इतना ज़्यादा पानी वो डालेगा तो उसके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, गुर्दे उसके बदलने पड़ जाएंगे। तो अगर यही बात आपकी सही मान के चलें कि 5-7 लीटर तो भाई हर रोज़ पानी पीना चाहिए अच्छा होता है, तो भाई जब गुर्दे फेल होते हैं डायलिसिस वाला तब क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि असलियत में ये 5-7 लीटर पानी अच्छा था ही नहीं कभी, ये बीमारियां ही बनाता है, जो मैंने आपको थायराइड, पेट का बड़ा होना और तेजाब और हार्मोनल इम्बैलेंस और शुगर, 4-5 बीमारियां ये फ्री में आती हैं पानी पीने वालों को। अगर वो कोई पानी पी रहा है ऐसे तो ये बीमारियां उसकी ठीक ही नहीं होती हैं, वो सोचता है पता नहीं कहाँ से आ गई, पर इसका मेन कारण यहीं पे पड़ा है। और दूसरा, गुर्दे तो उसके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया, अगर पानी पीना इतनी अच्छा होता तो जब किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं डायलिसिस कराना होता है उसको 1 लीटर क्यों बोलते हैं? भाई 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर 1 लीटर से ज़्यादा पानी पिएगा गुर्दे को ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, पेशाब के रास्ते इनके ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा, काम ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो ये दोनों गुर्दे फेल हो जाएंगे। तो आप समझ गए होगे, अगर हेल्थी हो तब भी नहीं ये करना चाहिए हमें। अब क्या है, आपने इतना पानी डाल दिया है तो इतना पानी बॉडी पे लिवर पे स्ट्रेस डालता है, तो स्ट्रेस डालने से क्या होगा, एक तो अगर कोई पतला भी हो गया उसका पेट निकला रहेगा, पतले आदमी का भी पेट बाहर होगा अकेला, जैसे पेट के ऊपर चर्बी है। दूसरा है, लीवर को डैमेज करता है ये, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि लीवर को भी आपने गुर्दों की तरह दिन भर काम पे लगा रखा है। उधर से है, वीकनेस आने लग जाएंगी। इन बंदों का देखा गया है ऐसे खाली पेट या महिलाएं पी रही हैं, अकेला पेट बढ़ता रहेगा, बाकी सारे शरीर से चर्बी गायब होती रहेगी, ये स्ट्रेस की निशानियाँ ये है। अब आ जाइए कि इससे होता क्या क्या है और क्या क्या होता है। देखिए, ये बताया जाता है कि ये हेल्थी है पानी पीना, मैं बताता हूँ आपको ये नॉट हेल्थी है। आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी कि गुर्दे फेल वाले को क्यों बोलते हैं फिर 1 लीटर, उसको भी बोलना चाहिए ना 5-7 लीटर पानी पी दूँ, बढ़िया रहेगा, गुर्दे और छानेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगी तेरी। तो मैं नॉट हेल्थी मानता हूँ खाली पेट पानी पीना को, मैं तो बिना प्यास के पानी पीने को ही नॉट हेल्थी मानता हूँ, जब शरीर को ज़रूरत ही नहीं क्यों दे रहे हो आप इतना उसको। तो यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू क्या निकलता है, आपका सोचते हो अकेला पानी निकलता है? नहीं, यूरिन के थ्रू कैल्शियम निकलता है शरीर में से, पोटाशियम निकलता है शरीर में से, मैग्नीशियम निकलता है यूरिन के साथ पेशाब के साथ, फॉस्फेट निकलता है, आयरन निकलता है, सल्फेट निकलता है, कैल्शियम जब आप 5-5 लीटर पानी पियोगे इतना निकल जाएगा, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाएंगी, इसलिए पानी पीने वालों के घुटने कभी ठीक ही नहीं होते, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। पोटाशियम इतना ज़्यादा निकल जाएगा 5 लीटर यूरिन के साथ, आपकी दिल की धड़कन नहीं कंट्रोल होगी कितनी मर्जी मेडिसिन खा लो। मैग्नीशियम जब निकलेगा तो आपकी मांसपेशियों में दर्द ही नहीं बंद होगा, कोई मर्जी पेन किलर खाते रहो, कुछ मर्जी करते रहो। फॉस्फेट निकल गया है तो आपको दिमाग की बीमारियाँ आ जाएंगी, चाहे डिप्रेशन रहता है किसी को, चाहे मेंटली उसको एंजाइटी
एंग्जाइटी रहती है, गुस्सा आता है, चाहे उसको अल्जाइमर है, चाहे पार्किंसन डिजीज़ है, बीमार की ढेरों बीमारियाँ आ जाएंगी। आयरन निकल गया तो उसको अनीमिया आने लग जाएगा, दिन भर वो कमज़ोरी महसूस करेगा। सल्फेट अगर निकल गया तो पेट उसका साफ़ नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों के साथ क्या होता है, पहले 2 गिलास पानी पी के पेट साफ होता था, अब 3 गिलास उनको पानी पीना पड़ता है, क्योंकि पानी पीने से लोड बढ़ जाता है, आराम से स्टूल बाहर हो जाता है। तो उसका कारण ये है, आप सल्फेट ही इतना पेशाब के साथ निकल जाता है। आप सोचते हो अकेला पानी निकलता है यूरिन के साथ, यूरिन का पानी नहीं, कैल्शियम भी निकल जाता है, मैग्नीशियम भी निकल जाता है, फॉस्फेट निकल जाता है, आयरन निकल जाता है, सल्फेट निकल जाता है। आजकल डाइट भी ऐसी, आप लेते तो कुछ है नहीं, निकाल सारा कैल्शियम देते हो। तो इसीलिए पानी पीने वालों को हड्डियों की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां आनी आना है, क्योंकि आपको नॉर्मली यूरिन आना था सारे दिन में, मान लो 300 से 500 ml, आपने 5 लीटर पानी ठोक दिया, अब उससे कम से कम 3 से 3.5 लीटर तो उससे पेशाब आएगी यूरिन। तो आप उसके साथ कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम देखो शरीर से कितना निकलेगा, आपकी सारी हड्डियां ख़राब हो जाएंगी। इसलिए पानी पीने वालों के घुटने बदलवाने ही पड़ते हैं। अब क्या है, कई लोग गर्म पानी पीते हैं। भाई गर्म पानी क्यों पीते हो, गर्म पानी की ज़रूरत ही नहीं है, आप रूम टेम्परेचर में पानी पियो। हमारे जो शरीर का तापमान है उसी के हिसाब का बराबर का पानी पियो। अगर उससे ज़्यादा गर्म पानी आप पियोगे तो आपकी सारी बॉडी का अंदर का सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो होप है आपको ऐसी साइंस बेस्ड वीडियो अच्छी लगती होगी, आपको पसंद भी आती होंगी। इसीलिए जो तेजाब बन रहा है जिसको, वो अपने लीवर का इलाज करा ले। अगर किसी को मोटापा है तो अपने हार्मोन की जांच करवा ले, लीवर के टेस्ट करवा ले, क्योंकि लीवर ने तेजाब को कंट्रोल करना है। अगर लीवर बीमार है तो तेजाब ठीक होगा नहीं, उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सारे लोग दवाइयाँ खाती मिलेंगे। होप है आपको अच्छी तरह साइंटिफिक बेस्ड जो वीडियोज़ हैं समझ आती होंगी, आपको अच्छी भी लगती होगी। जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को समझने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी और वीडियोज़ हैं तेजाब के ऊपर, ऐसे खाली पेट पानी पीने के ऊपर क्या क्या नुकसान है वो सारी आप देख सकते हैं। और इसके बिना ही मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पेट के कैंसर है, लिवर कैंसर है, बिना सर्जरी के कैसे हम हार्ट के वाल्व को ठीक कर सकते हैं, घुटनों के ऑपरेशन से बच सकते हैं, स्लिप डिस्क का कैसे हम विदाउट ऑपरेशन इलाज कर सकते हैं, अंडेदानियों का कैंसर है, ट्यूमर है, पेट की बहुत सारी बीमारियों के, जोड़ों की गठिया है, PCOD है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़े रहें, धीरे धीरे उनको भी साइंस समझाने लग जाएगी। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो अगर ऐसी किसी को भी कोई बीमारी है, ऐसे कोई बन गया या कोई और बीमारी है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए